Good morning class, welcome to Kids R Us. बच्चों सीधे किसी की क्लास में आज हम प्रोजेक्ट बुक पढ़ेंगे. प्रोजेक्ट बुक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रोजेक्ट बुक में आज हम आगे के जो हमारे हिंदी के लेटर है वो सीखेंगे. जैसे सबसे पहले है यहाँ पे प फ ब भ म, प फ ब भ म, ठीक है. तो प से लेके म तक हम जो यहाँ पे हमें लेटर दिए उनमें हमें अ से लेके अह तक की मात्राएं लगानी है बच्चों, ठीक है. तो सबसे पहला है प. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प, ठीक है. फिर प को आ की मात्रा पा, प को छोटी की मात्रा पी, फिर प को बड़ी की मात्रा पी, प को छोटा उ की मात्रा पू, फिर प को बड़ा उ की मात्रा पू, प को एक ही मात्रा पे, फिर आएगा प को ऐ की मात्रा पई, फिर क्या आएगा बच्चों? प को ओ की मात्रा पो, फिर प को औ की मात्रा पौ, प को ओ की मात्रा पौ. अब आगे देखते हैं. अब आएगा प को अम की मात्रा पब और प को अह की मात्रा प. ये हो गया प, ठीक है. अब हम लिखेंगे फ लेटर. तो सबसे पहले लिखेंगे फ, फ को अ की मात्रा फ, फिर फ को आ की मात्रा फा, फ को छोटी की मात्रा फी, फ को बड़ी की मात्रा फी, फिर फ को उ की मात्रा फू, छोटा हुआ है अभी, फ को बड़ा की मात्रा फू, फिर आएगा फ को ए की मात्रा फे, फ को ऐ की मात्रा फई, फिर क्या आएगा बच्चों? फ को ओ की मात्रा फो, फिर फ को औ की मात्रा फऊ, फ को अम की मात्रा फम और फ को अह की मात्रा फह. ये हो गया फ. तो ये सारी मात्राएं हम कैसे सीख रहे हैं? अ से लेके अह तक की. देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो सबसे पहला है यहाँ पे प. प को की मात्रा प, प को की मात्रा पा, प को छोटी की मात्रा पी, प को बड़ी की मात्रा पी, प को छोटा की मात्रा पू, फिर प को बड़ा की मात्रा पू, प को ए की मात्रा पे, प को ए की मात्रा पई, प को ओ की मात्रा पो, प को ऊ की मात्रा पऊ, प को अम की मात्रा पम और प को अह की मात्रा पह, ठीक है. अ से लेके अह तक की मात्रा है. उसके बाद है फ. तो फ को की मात्रा फ, फिर फ को आ की मात्रा फा, फ को छोटी की मात्रा फी, फ को बड़ी की मात्रा फी, फ को छोटा ऊ की मात्रा फू, फ को बड़ा ऊ की मात्रा फू, फ को ए की मात्रा फे, फ को ए की मात्रा फे, फ को ऊ की मात्रा फो, फिर फ को औ की मात्रा फऊ, फ को अम की मात्रा फम और फ को अह की मात्रा फह. ये सारे हमने इतने लेटर सीखे, ठीक है. अब है ब. तो ब को अ की मात्रा ब, ब को अ की मात्रा बा, ब को छोटी की मात्रा बी, ब को बड़ी की मात्रा बी, ब को छोटा की मात्रा बू, ब को बड़ा की मात्रा बू, ब को ए की मात्रा बे, ब को ऐ की मात्रा बई, ब को की मात्रा बो, ब को औ की मात्रा बऊ, ब को अम की मात्रा बम और ब को अह की मात्रा बह. तो ये हमें प से लेके म तक अ से अह की मात्राएं यहाँ पे लिखनी है और बोलनी है, ठीक है बच्चों. अब आगे देखते हैं. अब दूसरा क्या है आज? कलरिंग वॉयज है ना. तो कलरिंग वॉयज में आज हम क्या करने वाले हैं? कलरिंग वॉयज में पेज नंबर हमारा जो 15 है, देखिए पेज नंबर 15 में क्या दिया है यहाँ पे, लेट्स कलर दिस ट्रेन एंड एंजॉय द राइड. मतलब जो ट्रेन दी है हमें, यहाँ पे आपको ट्रेन दिख रही है ना बच्चों, ये ट्रेन में हमें क्या करना है? कलर्स करने हैं. देखिए मैंने यहाँ पे ये कलर किया है. ट्रेन तो हमेशा रेड कलर की देखी है हमने, तो हमें रेड कलर ट्रेन में करना है. और ये क्या है? ये सारे मिरर्स हैं. ट्रेन के जो खिड़कियाँ होती है ना, वो ब्लू कलर की किए मैंने, है ना. तो आपको ऐसे ही कलर करना है, ठीक है बच्चों. कलर करना है और इसमें क्या लिखा है? एंजॉय द राइड, मतलब कलर करो और राइड मतलब घूमने का आनंद लो, है ना. तो कलरिंग वॉइज में हमें क्या करना है? ट्रेन में कलर करना है, अच्छे से कलर करना है. कलर बाहर जाना चाहिए नहीं. आज हमने क्या सीखा बच्चों? प्रोजेक्ट बुक में आज हमने प से लेके म तक मात्राएं सीखी. कौन सी? अ आ छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ए, उसके बाद ई, ओ, औ, अम, अह। ठीक है, ये सारी मात्राएं हमने सीखी प से लेके म तक की। तो जिस तरह से मैंने सीखा है, मात्रा लिखना है और फिर साथ में बोलना है, ठीक है। इसके साथ में हमने और क्या किया, कलरिंग बॉयज में ट्रेन में कलर किया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।